सो गाइस आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि विच इज वन ऑफ द बेस्ट 125cc क्लास नेकेड बाइक। 125cc अगर कैटेगरी में बात करें तो सबसे अच्छी दिखने वाली बाइक कौन सी है, अगर प्राइस के हिसाब से बात करी जाए, एक बजट के हिसाब से बात करी जाए, तो वो है पल्सर NS 125। 111,400 रुपये इस बाइक का ऑन रोड प्राइस, एंड मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी 125cc क्लास नेकेड बाइक। बहुत शानदार लुक्स आते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल बाइक है। पूरी आज इसके बारे में वीडियो होने वाली है। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। तो पहले मैं आपको एक बार बाइक दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से यार बाइक बिल्ड की है बजाज ने। पल्सर NS 200 वाले पूरे लुक आते हैं, बहुत ही बढ़िया बात ये है। तीन कलर्स में आती है, एक तो ये ग्रे कलर है, एक ये ऑरेंज कलर है, और तीसरा यहाँ पर ब्लू कलर है। तीन कलर्स में आती है, विच इज़ द ब्लू वन मेरा फेवरेट कलर है, सबसे शानदार लगती है इस कलर के अंदर। एक ये ऑरेंज कलर है जो कि काफ़ी बढ़िया लुक के साथ आता है, एंड एक ये है ग्रे कलर भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी एक रिच कलर है, एक काफ़ी प्रीमियम बाइक लगती है इस कलर के अंदर। एंड लिटरली आप दूर से अगर इस बाइक को देखोगे तो आप पहचान ही नहीं पाओगे यार ये 125cc की बाइक है। आपको लगेगा कि यार ये NS 200 है या फिर NS 160 है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लुक आते हैं इस बाइक के। अब बात कर लेते हैं ये सबसे अच्छी बाइक क्यों है। सबसे पहले बात तो मैं बताता हूँ कि इसका प्राइस, यार प्राइस बहुत ही बढ़िया है, मतलब 111,400 रुपये बहुत ही अच्छा इसका ऑन रोड प्राइस है। अगर एक्सशोरूम प्राइस बताऊँ तो लगभग 95,443 रुपीज़ है। एंड अगर बात करी जाए बाइक के बारे में तो मेरे हिसाब से इस बाइक को चलाने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। काफ़ी रिफाइंड इंजन है, इंजन इसका बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा पावर पंप आउट करता है। बट डेफिनेटली जो एक्सपीरियंस राइडर है उनको इतनी ज़्यादा अच्छी पावर लगेगी नहीं इसमें। बट अगर आप बाइकिंग कल्चर में स्टार्ट कर रहे हैं मतलब बाइक चलाना, तो उस हिसाब से बहुत ही परफेक्ट बाइक है ये, प्राइस के हिसाब से भी और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी। तो इंजन की थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ आपको। तो इंजन है इसका 124.45cc का, पावर पंप आउट करता है 11.6 bhp और 11 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। 5 गियर आते हैं इस बाइक के अंदर टोटल, एंड इसका जो माइलेज आपको देखने को मिलता है 46 किलोमीटर पर लीटर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है यार। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंजन है, काफ़ी बढ़िया लुक आता है आपको। यहाँ पर किक भी देखने को मिलता है, जो कि सबसे अच्छी बात है कि कल को आपकी बैटरी डाउन हो गई बाइक की तो आप किक से इस बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। गियर शिफ्ट स्मूथ है, जो इसका क्लच है बहुत लाइट है, मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा। एंड फ्रंट से लुक के बारे में बात करें तो NS 200 वाले लुक आते हैं पूरे। यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर देखने को मिलता है, आपको बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिलता है, बट बहुत ही एक स्लीक लुक है, काफ़ी बढ़िया। एक फ्लेक्सिबल दुखा फ्लेक्सिबल यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पर आप नंबर प्लेट माउंट कर सकते हैं। ये दिस इज़ द मडगार्ड। एक बढ़िया आपको यहाँ पर कार्बन फाइबर वाली फिनिश देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, डिस्क ब्रेक मिलता है, CBS देखने को मिलता है विच इज़ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, साइड में रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिल जाएंगे। सस्पेंशन मुझे डिसेंट लगे, थोड़े और बेटर हो सकते थे। ब्रेक भी मुझे डिसेंट लगे, ब्रेक्स मुझे कहीं ना कहीं लगे थोड़ा और अच्छे होने चाहिए थे, बिकॉज यार बहुत हार्ड ब्रेकिंग करोगे तो मतलब आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। वैसे आप नॉर्मल ब्रेक करोगे तो आपको ठीक लगेगा, बिकॉज के अंदर जो रियर में है ना यार ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर डिस्क ब्रेक दे देते तो अल्टीमेट ब्रेकिंग सिस्टम हमें यहाँ देखने को मिलता है बाइक के अंदर। रियर जो व्हील है वो भी 17 इंच का ही है। यहाँ पर आपको मोनोशॉक देखने को मिलता है, जिससे लुक बहुत अच्छा हो जाता है बाइक का। यहाँ पर NS 125 की बैजिंग देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं यार कम्फर्टेबिलिटी की। तो जो पिलियन राइडर की सीट है, काफ़ी स्पेस है, बहुत अच्छी स्पेशियस है, आप आराम से इस बाइक में बैठ सकते हैं। जो पिलियन की सीट है उसमें भी काफ़ी अच्छी आपको स्पेस देखने को मिलेगी, एंड जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी डिसेंट है। डेफिनेटली आप इस बाइक को डेली यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, नॉर्मल सिटी में जाने के लिए। वैसे आप एक सिटी से दूसरी सिटी भी इस बाइक पर आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। 12 लीटर का इस बाइक के अंदर फ्यूल टैंक आता है, 46 किलोमीटर का माइलेज आता है, तो यार बहुत ही अच्छा माइलेज है इस बाइक के अंदर। आपको पता है आजकल पेट्रोल वैसे ही इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो एक अच्छी माइलेज वाली बाइक होनी बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। एंड जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, NS 200 जैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, लुक बहुत अच्छा आता है, शानदार लुक है। हैंडल बार जो है क्लिप ऑन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलते हैं। ये कुछ की आती है इसकी, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके की आती है, बढ़िया लुक के साथ आती है। की भी अगर बात करी जाए की तो ओवरऑल जो लुक है ना यार बहुत अच्छा है, एंड काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर ब्रेक देखने को मिलता है आपको बाइक के अंदर। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा है चलाने में बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत हल्की बाइक है, 144 किलोग्राम्स की बाइक है सिर्फ, तो यार काफ़ी हल्की बाइक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको चलाने में। एंड सिटी के हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत ही परफेक्ट बाइक है, बहुत ही अच्छी बाइक है। एंड गियर शिफ्ट भी काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पर आपको इंजन गार्ड भी देखने को मिल जाएगा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्क्रैच गार्ड, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। एंड ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं, गियर शिफ्ट्स काफ़ी अच्छी है, चलाने में बहुत अच्छी है। ओवरऑल जिसका माइलेज है बहुत बेहतरीन है, तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली एक बाइक लेने में बहुत ही एक इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है। तो मेरे हिसाब से
Pulsar NS 125 is really one of the most value for money 125cc budget bike. अगर आप budget में देख रहे हैं 111,400 रुपये इस bike का on road price है. मेरे हिसाब से this is one of the best 125cc naked bikes in a good budget. जो ब्लू कलर है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है. ब्लू कलर में आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ. तो ब्लू कलर में बहुत ही बढ़िया बाइक आती है ये, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं. काफ़ी इजी है एंड मैंने ईएमआई और डाउन पेमेंट की भी वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं. आपको इजी पता लग जाएगा कि आपको कितनी ईएमआई देनी है इस बाइक को ख़रीदने के लिए. दिस इज़ द ग्रे कलर. ये ग्रे कलर में भी काफ़ी बढ़िया लग रही है बाइक. तो यार एनएस 125 मेरे हिसाब से बहुत ही एक अच्छी बाइक बनाई है बजाज ने और इंडियन मार्केट में लॉन्च करी है. जो कलर है ऑरेंज वाला भी बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं आराम से. और ये बाइक यार उन लोगों के लिए जिन लोगों को यार ज़्यादा बाइक में ऐसा पावर नहीं चाहिए, मतलब लुक बहुत अच्छा होना चाहिए बाइक में बट पावर आपको एक बहुत ही नॉर्मल पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बाइक नहीं चाहिए, तो ये बाइक आराम से आप ले सकते हैं. प्रॉपर एन एस 200 वाला लुक आता है इस बाइक के अंदर. ये बहुत ही बढ़िया बाइक बात है. ये 125 में आपको एन एस 200 का भी लुक दिखा देता हूँ एक बार, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी यार सेम लुक आता है बाइक का. ये एन एस 200 खड़ी है, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते यार. अगर आप दूर से देखो यही वाला कलर आपको देखने को मिलेगा 125 में. अभी आपको दिखाया था ये एन एस 200 है, ये एन एस 160 है, तो सेम लुक है एन एस 200 160 और 125 का. आप देख सकते हैं यहाँ पर यार ये काफ़ी बढ़िया लुक के साथ आ जाती हैं बाइक. एंड डेफिनेटली यार एन एस 125 मेरे हिसाब से बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है, पैसा वसूल बाइक है. एंड इसका ऑन रोड प्राइस मैं आपको दोबारा बताता हूँ, 111,400 रुपये इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है. जो बटन्स की फील है वो काफ़ी डिसेंट है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाइक में यार जो पैनल्स हैं वो थोड़ा और बेटर हो सकते थे. जैसे कि ये वाला, ये आपको थोड़ा सा भी लगेगा यार प्लास्टिक थोड़ा हल्की क्वालिटी का है, बट ये अगर थोड़ा अच्छा कर दे बजाज तो थोड़ी अब ज़्यादा बेटर एक ज़्यादा क्वालिटी अच्छी हो जाएगी बाइक की. जो मडगार्ड है वो भी आपको डिसेंट प्लास्टिक क्वालिटी का देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है मडगार्ड की, मुझे पर्सनली अच्छी लगी. अगर सस्पेंशन सेटअप की बात करूँ तो सस्पेंशन सेटअप डिसेंट है, सिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा सस्पेंशन सेटअप है. बट यार अगर आप गाँव वगैरह में जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत ऐसी प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली, बिकॉज ये सस्पेंशन सेटअप सिटी के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, हाईवे के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. आप हाईवे पे इस बाइक को बहुत ही आराम से चला सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तकलीफ के. तो मेरे हिसाब से लगता है यार कि दिस इज़ रियली वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी 125cc क्लास नेकेड बाइक. अगर बजट में कोई देख रहा है, वैसे तो यार ड्यूक 125 इज़ द बेस्ट इन द 125cc बाइक कैटेगरी, बट एक बजट में बात करी जाए, एक पैसे अगर आपको वैल्यू फॉर मनी बाइक लेनी हो तो डेफिनेटली पल्सर NS 125 आप ले सकते हैं. बट एक्सपीरियंस राइडर को मैं कहूँगा कि यार वो मत लेना, बिकॉज उसको ले अगर आप एक्सपीरियंस राइडर हो तो आपको पावर कम लगेगी इसकी डेफिनेटली. तो गाइस आज की वीडियो सर इतना ही था. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए. नीचे प्यारा सा लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन उसको तोड़ मोड़ फोड़ो जो करने का जान चाहिए, साथ में बेल आइकन दबाकर वगैरह बिल्कुल मत जाइएगा. इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, थ्रॉटल अंडरस्कोर 98 मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ डे. सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ. बाय.